गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 के 19 क्वेश्चन तक की बात कर ली थी। आज हम इसका 20वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल में क्या प्रूव करना है? 2 साइन एक्स। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर साइन एक्स माइनस साइन 3x है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो चूंकि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल क्या आता है? 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 कोस एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स ही है। प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है? 3x अपॉन में 2 इनटू साइन एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू यहां पर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3x अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा इसमें? 2 कोस एक्स प्लस 3x कितने हो गए? 4x। 4x अपॉन में 2 तो कितना आ गया? 2x इनटू साइन एक्स माइनस 3x माइनस के 2x माइनस 2x अपॉन में 2 तो कितने आ गए? माइनस 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर हमें क्या लेके आना है? सिर्फ साइन लेके आना है। क्या लेके आना है? सिर्फ साइन। यहां पर हमारे पास ये कोस है तो यहां से माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल में क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल में माइनस साइन थीटा। तो क्या है? 2 कोस 2x माइनस आगे लेते हैं यहां पर इनटू में साइन एक्स अपॉन में यहां से भी क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स किसका हो गया? माइनस। अब यहां पर इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा? देखो यहां पर इसमें क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? क्योंकि कोस 2 थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ गया? 2 कोस 2x इनटू साइन x अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर कोस 2 थीटा थीटा की जगह यहां पर क्या आ गया? एक्स। तो क्या आ जाएगी? कोस 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल तो क्या बच गए यहां पर? 2 sin x। यही इसमें प्रूव करना है। तो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21वें की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला ही अप्लाई होगा cos x + cos y का, क्योंकि इसमें दिया है cos 4x + cos 3x। देखो 4 और 3 में तो अप्लाई मत करना, क्योंकि 4 और 3 में अप्लाई करोगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। और 7 में 2 का डिवाइड नहीं होगा तो cos 4 और cos 2 में अप्लाई कर लेना अपॉन में sin 4x + sin 2x में। तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है सिर्फ इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन। इसमें 22वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? cot x * cot 2x क्या दिया है यहां पर 22वें क्वेश्चन में? cot x * cot 2x cot x * cot 2x माइनस cot 2x माइनस cot 2x * cot
3x इंटू 4 3x माइनस 4 3x माइनस 4 3x इंटू 4 x इंटू 4x इक्वल में क्या प्रूव करना है इसकी 1 इक्वल में क्या प्रूव करना है 1। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो कोट 3x है इसमें जैसे इस पर ऐसे लिख सकते हैं कोट x प्लस 2x कोट 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं कोट x प्लस 2x क्योंकि x प्लस 2x कितने होगी 3x ही होगी। अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा कोट x प्लस y का तो देखो यहां पर कोट x प्लस y इक्वल में क्या होता है कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन में कोट y प्लस कोट x यही होता है इसका फॉर्मूला कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन में कोट y प्लस कोट x। तो देखो यहां पर ये चल रहा है इसमें कोट 3x इक्वल में कोट x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कोट x x की वैल्यू x ही है इनटू कोट y y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1 अपॉन में कोट 2x प्लस कोट x ये आ जाएगा यहां पर। अब इसका क्या कर देते हैं यहां पर तिरछा गुणा करते हैं इनका तिरछा गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा कोट 3x इनटू कोट 2x प्लस कोट x ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया इक्वल में कोट x इनटू कोट 2x माइनस 1 तो कोट 3x का इसके साथ मल्टीप्लाई में कोट 3x इनटू कोट 2x प्लस कोट 3x इनटू कोट x इक्वल में कोट x कोट 2x माइनस देखो कोट 3x कोट x ये भी चाहिए हमें कोट 2x कोट 3x ये भी हो गया cot x cot 2x ये ब्रैकेट माइनस 1 तो माइनस 1 को इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल cot x cot 2x cot 2x। अब ये दोनों प्लस के हैं उस साइड जाके इसके लिए माइनस के लिए तो माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x ये ही हमें प्रूव करना है इसमें क्या कर लिया था कोट 3x को क्या लिख लिया कोट x प्लस 2x कितने होते हैं 3x फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है कोट x प्लस y कोट x इनटू कोट y माइनस 1 अपॉन में कोट y प्लस कोट x सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 4x इक्वल 23वां क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है यहां पर tan 4x इक्वल tan 4x इक्वल 4 tan x इनटू 4 tan x इनटू 1 माइनस tan square x अपॉन में 1 माइनस 6 tan square x 1 माइनस 6 tan square x प्लस tan की पावर 4x प्लस में tan की पावर 4x तो इसकी हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है tan 4x क्या दिया यहां पर tan 4x tan 4 थीटा ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं tan 2 into 2x 2 इंटू 2 कितने होंगे 4x अब इसे फॉर्मूला अप्लाई मिलेगा tan 2 थीटा तो tan 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो tan 2 थीटा थीटा की जगह यहां पर क्या दिया 2x तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x यहां फिर वापस फार्मूला अप्लाई होगा tan 2x में क्या आएगा 2 into 2 tan x
अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस यहां भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन टू एक्स की होल के लिए तो क्या आएगा 2 टेन 2 एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 एक्स और इसकी होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे टेन टू एक्स नहीं टेन एक्स सॉरी यहां पर क्या है टेन टू थीटा तो यहां पर सिर्फ एक्स ही है। अब देखो यहां पर आके इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4 टेन एक्स और ये यहां पर अपॉन में इसके बनाए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसको यहां पे बटा नहीं ले लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहां ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू 2 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसकी होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहां से एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू एलसीएम लेंगे यहां से इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसकी होल स्क्वायर। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है कितना होगा 1 ही होगा 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये सेम ही आएगा तो क्या आएगा यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसकी होल स्क्वायर फिर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। और देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर है तो एक पावर इससे कैंसिल होगी। अब ये नीचे वाले से एक बटा में कहां चला जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पावर 2 थी एक इससे कैंसिल होगी अपॉन में इसको सॉल्व करें a माइनस b की होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a की स्क्वायर a की जगह यहां पर क्या दिया 1 1 की स्क्वायर क्या दी 1 ही दी फिर माइनस b माइनस 2a 2 इनटू 1 2 ही आएगा और 2 tan स्क्वायर x ये हो गया फिर प्लस b स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है tan स्क्वायर x इसकी स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 इनटू 2 क्या प्लस में 10 की पावर 4x माइनस में क्या बताए 4 tan स्क्वायर x इसको सॉल्व करते हैं तो 4 tan x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस के 2 tan स्क्वायर x माइनस के 4 tan स्क्वायर x तो माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x और यही इसमें प्रूव करना है तो ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड क्या करोगे tan 4x दिया है इसको दो भागों में तोड़ोगे सबसे पहले tan 2 थीटा के फॉर्मूले में फिर उसके बाद फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 4x इक्वल में 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर तो देखो यहां पर क्या दिया है इसमें cos 4x तो इसको भी उसी प्रकार से जैसे ये tan 4x है इसको तोड़ा है उसी प्रकार इसको भी दो भागों में करो तो देखो यहां पर क्या दिया है इसमें cos 4x इक्वल में 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ये दिया है यहां पर तो हमें ये प्रूव करना है दोनों साइडों में इक्वल है तो देखो यहां पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं cos 4x ये दिया लेफ्ट हैंड साइड इस पर से ले सकते हैं cos 2 into 2x 2 into 2 कितने होंगे 4 फॉर्मूला अप्लाई करें क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल में 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर आप देखते हैं यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x तो
अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा लें यहां पर, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर भी हमें साइन और कोस दोनों ही दिए, तो वन माइनस साइन टू थीटा टू, ये हो गया यहां पर साइन टू थीटा, इसकी होल स्क्वायर है तो इसकी होल स्क्वायर कर दें, इस पर से लिख देते हैं साइन टू थीटा, तो टू साइन थीटा टू साइन एक्स कोस एक्स और इसकी होल स्क्वायर, तो वन माइनस टू इंटू टू की स्क्वायर फोर, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना आ जाएगा यहां से वन माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड से, देखो कोस फोर एक्स दिया था, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया कोस टू इंटू टू एक्स, अब कोस टू थीटा का हमें फॉर्मूला पता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं टू एक्स, फिर फॉर्मूला वापिस अप्लाई करोगे साइन टू थीटा टू साइन कोस, क्योंकि यहां पर क्या लिखे हैं साइन और कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस सिक्स एक्स इक्वल, तो देखो इसमें नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कोस कोस सिक्स एक्स इक्वल में इसके दिया है 32 कोस की पावर 6x, 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x, फिर आगे इसमें दिया प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन, ये दिया, तो देखो यहां पर इसके सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी चलते हैं कोस सिक्स एक्स, अब देखो यहां पर सारा क्वेश्चन किसमें सोल्व करना है कोस में ही सोल्व करना है, किसमें सोल्व करना है कोस में, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस थ्री इंटू टू एक्स, थ्री इंटू टू एक्स, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कोस थ्री थीटा का, क्या होता है क्योंकि कोस थ्री थीटा इक्वल फोर कोस क्यू थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, यही होता है फोर कोस क्यू थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर फोर कोस क्यू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है टू एक्स, फोर कोस क्यू थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है टू एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी है टू एक्स, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया फोर कोस क्यूब टू एक्स माइनस थ्री कोस टू एक्स, ये आ गया यहां पर हमारे पास, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है कोस टू एक्स, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास कोस टू एक्स, तो ब्रैकेट में क्या रहिएगा फोर कोस स्क्वायर, कोस की स्क्वायर रहेगी टू एक्स माइनस थ्री माइनस के, ये रहे, अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कोस टू थीटा, क्योंकि कोस टू थीटा, अब देखो क्वेश्चन में इसमें चाहिए सारा कोस नहीं, तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां भी लगा लेते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, थीटा की जगह यहां पर क्या दिया एक्स, टू की जगह टू ही, फिर फोर कोस स्क्वायर टू एक्स, तो टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन और इसकी होल स्क्वायर माइनस थ्री, ये छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पर, अब इसको सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले कोस सिक्स एक्स दिया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया थ्री इंटू टू एक्स, अब हमें क्वेश्चन कोस नहीं चाहिए तो कोस को किसमें चेंज करना है सारे को कोस में, कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दिया यहां पर, उसके बाद क्या दिया हमने कोस टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहां से कोस टू एक्स कॉमन, अब देखो आगे इसमें, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा इसमें
टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये ऐसे कैसे पड़ा, फोर इंटू, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2 cos स्क्वायर x और इसकी स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इनटू 2 cos स्क्वायर x इनटू 1, ये होगी a की वैल्यू, ये b की, प्लस b की स्क्वायर, तो प्लस में 1 की स्क्वायर, माइनस 3 ब्रैकेट बंद, इसको सॉल्व करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इनटू 4 इनटू 2 cos स्क्वायर x की होल स्क्वायर, 2 इनटू 2 4 cos की पावर 4x, फिर माइनस 2 इनटू 2 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 की स्क्वायर 1 ब्रैकेट बंद माइनस 3, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहां पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इनटू 4 इनटू 4 16 cos की पावर 4x, फिर माइनस 4 इनटू 4 16 cos स्क्वायर x, फिर 4 इनटू 1 4 और माइनस की कितनी है 3 और ब्रैकेट बंद, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इनटू 16 cos की पावर 4x माइनस 16 cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 3 प्लस का 1, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो देखो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं यहां पर 2 cos स्क्वायर x का इसके साथ करेंगे तो 16 हो गए 32 cos स्क्वायर x cos की पावर 4x, 4 और 2 कितनी होगी cos की पावर 6x, ये हो गया, फिर 2 cos स्क्वायर x का माइनस 16 cos स्क्वायर x के साथ 2 into 16 32 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos की पावर 4x, फिर 2 cos स्क्वायर x का प्लस 1 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर x, अब माइनस 1 का इसके साथ करेंगे तो माइनस 16 cos की पावर 4x, माइनस 1 का माइनस 16 cos स्क्वायर x के साथ माइनस इनटू माइनस प्लस 16 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 1 इनटू प्लस 1 तो कितने आ जाएंगे माइनस के 1, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले देखो cos की पावर 6 वाली a की वैल्यू है तो इसको ऐसे ले लेते हैं 32 cos की पावर 6x, अब cos की पावर 4 वाली देंगे तो माइनस के 32 cos की पावर 4x और माइनस के 16 cos की पावर 4x तो कितने हो जाएंगे माइनस के 48 cos की पावर 4x, प्लस के 2 cos स्क्वायर x प्लस के 16 cos स्क्वायर x तो कितने होंगे प्लस के 18 cos स्क्वायर x और माइनस में 1, यही हमें प्रूव करना है इक्वल नहीं क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, 3.3 के इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो भी आपका डाउट है वो भी आप अपना क्लियर कर सकते हो मैसेज वगैरह करके, और बाकी 3.4 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।